आज हम लेके आए मिल्टन ब्रांड का बेवरेज डिस्पेंसर, जिसमें आप अपना वाटर, टी, कॉफ़ी स्टोर करके ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टी, कॉफ़ी अगर आप सर्व कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास है 2.5 लीटर एंड 3 लीटर का। तो इसमें साइजेस तो आते हैं 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5, 4.5, तो बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे 2.5 एंड 3.5 इसकी क्वालिटी कैसी है, कितना घंटे तक ये गर्म रहेगा एंड कैसा इसका स्टील का क्वालिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए सबसे पहले 2.5 का हम ओपन कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है 2.5 लीटर का एंड 3 लीटर का। आप साइज देख सकते हैं कि इस दोनों में साइज का थोड़ा बहुत अंतर है, जो कि 500 ml का है। तो इसको हटा देते हैं हम साइड में एंड एक, क्योंकि क्वालिटी तो दोनों की सेम है तो कोई अंतर रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम फ्लास्क के बारे में जानेंगे। तो ये है मिल्टन ब्रांड का फ्लास्क एंड ये है 3 लीटर कैपेसिटी का। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको इधर से ऊपर से प्रेस करना है, जो कि इस साइड में बटन है, उसको प्रेस करके इस तरह से खोल दीजिए एंड अंदर का पार्ट को खोलने के लिए इस तरह से टर्न कर लीजिए एंड इसको आप उठा सकते हैं। इस तरह से उठाने के बाद आपको मिलेगी अंदर स्टेनलेस स्टील की रॉड एंड ये जो है पाइप सेट मिलेगा, जो कि यहाँ से अंदर जाके आपको यहाँ से जो है डायरेक्ट आपको कप में सर्व करता है, जो कि आप वाटर है या कॉफ़ी है, टी है, कुछ भी। एंड अंदर जो मटेरियल बना है फुल्ली स्टेनलेस स्टील का मटेरियल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है एंड ये प्योर 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील एंड पूरी मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। आउटसाइड भी आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा एंड प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो साइड में आपको ये प्लास्टिक क्वालिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी। एंड आपको टी कॉफ़ी लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें आपने स्टोर कर लिया, उसके बाद में इधर अच्छे से आप लॉक कर देना है या ऊपर पे ही आपको मार्किंग देखने को मिल जाएगी, जो कि ओपन एंड क्लोज का है। इस तरह से इसको टर्न कर लीजिए, हो गया लॉक। उसके बाद में ये आपको कंपल्सरी डालना ही डालना है एंड अभी आप यहाँ से ऊपर से प्रेस करेंगे एंड इधर से कप रखेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो इधर से टी आनी शुरू हो जाएगी, जो कि वाटर टी जो भी आप जैसे कि वाटर ही मान लो, तो इधर से प्रेस करेंगे तो इधर आपका वाटर आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हॉट वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के लिए भी काफ़ी यूजफुल है ये। तो जैसे कि अपने आप अभी इसमें आपने वाटर स्टोर कर लिया है एंड आप इसको जैसे ही कैरी करके लेके जा रहे हैं एंड बीच रास्ते में कहीं से यहाँ से प्रेस हो जाता है तो ये गिरने की संभावना रहती है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं, इसमें ऊपर में दिया हुआ है एक ऑन एंड ऑफ का लॉक, जो कि आप टर्न करके इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा। ये सेफ्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका जो है ये लीकेज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, यानी कि जो है पानी बाहर आने वाला नहीं है। एंड क्लीनिंग प्रोसेस क्या है, तो क्लीनिंग प्रोसेस ये है कि आप इसको सिंपली इधर से खोल दीजिए एंड पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इस तरह का एक लॉक है, इसको आपको इधर से पुश कर लीजिए। पुश करने के बाद जैसे ही पुश करेंगे तो ये इधर से बाहर आ जाएगा। तो ये पंप सेट हो गया, इसको हम रिमूव करके बड़े अच्छे तरीके से इसको आप आराम से क्लीन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड कैरी करने के लिए मैंने बताया कि ये हैंडल है बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। एंड अब बताएंगे इसमें गर्म कितना घंटा रहता है। तो गर्म की बात करूँ तो कंपनी का दावा है 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड रहता है। इसमें आप देख सकते हैं मेंशन भी है मिल्टन थर्मोस्टील है ये फ्लास्क बोल सकते हैं हम इसको, हॉट एंड कोल्ड 24 आवर्स तक इसमें जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। एंड अगर आप टी कॉफ़ी कुछ भी रखेंगे, फुल रखेंगे तो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, अगर आप हाफ रखेंगे तो इसकी जो गर्म रहने की जो होती है वो कम हो जाएगी, तो इसके हिसाब से भी होता है। एंड जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी फुल भर दिया एंड बार बार इसको प्रेस करके निकाल रहे तो उसके हिसाब से भी जो है इसका जो गर्म रहने की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन कंपनी 24 आवर दावा करती है, लेकिन ये 12 आवर 100% रहता ही रहता है। एंड वाटर डालेंगे तो वाटर तो और भी ज़्यादा रहेगा, जो कि टी कॉफ़ी है, तो आप आराम से 6 to 8 hours तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। ये प्योर एंड बेस्ट क्वालिटी का फ्लास्क है। और आपके मन में और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। एंड इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसकी जो MRP प्राइस है 4060 है, जो कि 3 लीटर की है। एंड 2.5 की बात करूँ तो 3800 है, जो कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ओनली 260 rupees जो है 3 लीटर की ज़्यादा है। एंड ऐसे ही अगर आप 4 लीटर एंड 4.5 लीटर ऐसे तरह के आप साइज लेंगे तो उसके हिसाब से भी प्राइस इतनी ही बढ़ेगी, जो कि 300-400 के आसपास पर 500 ml के ज़्यादा होती है। तो इसका बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं, इसका बेस्ट डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको डील। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,